वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल द इजी एजुकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सब्सक्राइब अवर चैनल. एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और इसके कॉन्सेप्ट को जाना था कि कब बाद वाला ट्राइंगल दिए हुए ट्राइंगल के पहले वाले ट्राइंगल के अंदर बनता है और कब बाहर बनता है. अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो अंदर बनेगा और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो बाहर बनेगा. कैसे पता लगेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है प्रॉपर कौन सा होता है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और जिसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और जिसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर छोटा होता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इससे पहले 2 वीडियोज आपकी आ चुकी हैं. पहले वीडियो में हमने जाना था ये वाला क्वेश्चन डिस्कशन और इससे पहली वाली वीडियो में हमने जाना था ये वाला क्वेश्चन नंबर 2. आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की. तो देख लेते हैं क्वेश्चन है क्या. ये क्लास 10th का बैच मैं रख देता हूँ सामने. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं. क्या है भाई? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड 5 cm, 6 cm, 7 cm. सबसे पहले आपको 5 cm, 6 cm, 7 cm का यूज़ करके साइड कंस्ट्रक्ट करनी है. जैसे कि मैंने आपको बता रखा है पेंसिल शुड बी शार्प, तो मैं भी पेंसिल को थोड़ा सा शार्प कर लेता हूँ. ये हो गई पेंसिल शार्प. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखिए ध्यान से. जूम कर देते हैं थोड़ा सा वीडियो को. ये देखिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड 5 cm, 6 cm, 7 cm. हमें एक ट्राइंगल बनाना है कि साइड 5, 6, 7 है. एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस. ये बात की बात है, पहले 5, 6, 7 cm का एक ट्राइंगल हमें बनाना है. तो देखिए 5, 6, 7, मुझे को याद है 5, 6, 7. यहाँ लिखी, अगर आपको नहीं पता तो बुक आप सामने रखी है आपके. तो पहले 6 का बीच वाला लेते हैं, पहले आप ले कुछ भी सकते हो. वैसे पहले 5 cm की मैं लाइन बीच में ड्रॉ कर लेता हूँ, सेंटर, बिल्कुल सेंटर में 6 cm की लाइन ही आ गई सेंटर में. इसका नाम दे दो ए और बी. क्लियर है भाई? अब ये 6 की आ गई, 6 cm, एक लाइन 5 की और एक लाइन 7 की. तो 5 का आर्क ले लीजिएगा कंपास में, 5 cm का इस तरह से आके लेते हैं 0 पे से फंसा के और इसे स्ट्रेच कर देते हैं 5 तक. ये आ गया 5 cm की, 5, 6 बीच में आई गई और 7 देख लेते हैं. ये आ गई 7 cm. ठीक, इसको मिला देते हैं यहाँ पर. बहुत ही सिंपल, ये हमारा लगभग 40% वर्क, 30% वर्क हमारा हो गया क्वेश्चन का. ये कितनी है 5 cm और ये कितनी है 7 cm. अभी बाद में मैं स्केल से लिख दूंगा यहाँ से यहाँ तक. चलिए भाई, 5 cm, 6 cm बन गया. एंड देन अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7/5. मैंने आपको बताया था अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो नया ट्राइंगल बाहर बनेगा. बात समझ में आई? तो पहले क्या करेंगे, बाहर की बात तो दूर की बात है, सबसे पहले एक्यूट एंगल बनता है यहाँ पे. जब भी हम लाइन को हमें डिवाइड करना होता है या तोड़ना होता है, एक्यूट एंगल बनेगा. और इस पर कितने आर्क बनेंगे भाई? बड़ी वाली वैल्यू कितनी है 7, इस पर 7 आर्क बनेंगे ऑफ सूटेबल लेंथ. कितनी भी लेंथ ले लो, ज़्यादा छोटी भी ना हो, जो आए ना 7 आर्क बनेंगे. देखिए ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. क्लियर है भाई? अब बहुत ध्यान से देखने की आपको ज़रूरत है. बाहर बनेगा तो अंदर तो आएगा नहीं, बाहर आएगा. इस लाइन को मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा. ठीक, डॉटेड लाइन से भी कर सकते हो आप और डार्क लाइन से भी कर सकते हो. इस लाइन को मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया प्रोड्यूस. क्लियर? अब देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और 5. या तो मुझे 7 वाले को यहाँ मिलाना पड़ेगा
या मुझे फाइफ वाले को यहाँ मिलाना पड़ेगा। तो अब कैसे करें, ये समझने वाली बात है भाई, ध्यान से देखना है आपको। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था तो हमने बड़े वाले को यहाँ मिला दिया था, पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉपर फ्रैक्शन था तो हमने थ्री वाले को यहाँ मिला दिया था और टू से पैरेलल बनाई थी। इस बार इम्प्रॉपर है तो हम कम वाले को यहाँ मिलाएंगे, फिफ्थ वाले को इस पे मिला देंगे और बड़े वाले को सेवन को यहाँ पे। देखो जाहिर सी बात है, कम वाला अंदर आएगा, बड़ा वाला बाहर आएगा, तभी तो बाहर बनेगा ट्राइंगल। समझो बात को, पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करो इसे। छोटा वाले तो मिलेगा यहाँ पे, पिछले बार बड़ा वाला यहाँ मिला था, छोटा वाला अंदर आया था ट्राइंगल, इस बार छोटा वाला यहाँ मिलेगा, बड़ा वाला बाहर आएगा। मैंने आपको बताया प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ट्राइंगल बाहर आएगा। अरे बात समझ, नीचे वाला छोटा है ना, फाइव छोटा है ना, डिवाइड करके वन से बड़ा आंसर आएगा ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए इसका नेम क्या दिया था हमने, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन, यहाँ तक मैंने इसका क्या दिया था भाई, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन, यहाँ तक मैंने इसको नेम दिए। अब देखो फिफ्थ को मैं यहाँ पे मिलाऊंगा इसे, फिफ्थ वाले को इसे यहाँ पे मैं मिला दूंगा बहुत आराम के साथ, फिफ्थ वाले को यहाँ मिला देंगे, ये फिफ्थ वाले को यहाँ पे मैंने इसे मिला दिया। अब मुझे सेवन वाले को यहाँ कहीं मिलाना है, इसका मतलब इसके पैरेलल लाइन मुझे यहाँ खींचनी है। तो पैरेलल लाइन खींचने का मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बता रखा है विद हेल्प ऑफ दिस सेट स्क्वायर, बहुत ही सिंपल। इसके पैरेलल खींचनी है तो यहाँ पर रख देंगे, इसे यहाँ मिलाएंगे चलाने के लिए, और ये सेवन पर लागे इसे रोक दो, ये इसके पैरेलल आएगी बिल्कुल, यही यूज होता है सेट स्क्वायर का। यहाँ मिला दो इसे, क्लियर। क्या नाम हुआ इसका, ये बी है तो इसका नाम हो गया बी डैश, बहुत सिंपल। अब इसके पैरेलल मुझे यहाँ खींचनी है तो यहाँ मिलेगी इसे बढ़ाने के बाद, तो इसे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दो, कोई बात नहीं। अब इसके पैरेलल यहाँ खींचनी है ना, तो फिर वही साइड स्क्वायर लगाएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ रखा इस लाइन पे सेट किया इसे, इसे ऐसा रखा थोड़ा सा, कहाँ बनानी है पैरेलल, बहुत ध्यान से करना है, इसे चलाना आपको आना चाहिए। ये यहाँ बन गया, देखो इसे अभी बुला के मैंने रोक दिया, ये इसके बन गई पैरेलल। ठीक आ रहा है समझ, ये बन गया आपका ट्रायंगल। अब ये डार्क करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये हमें ट्रायंगल बनाना था, तो पेन की हेल्प से हम इसे डार्क करेंगे। देखो कैसे, ये है क्योंकि ये तो मुझे चाहिए था, क्वेश्चन में इसने कहा, तो इसे मैंने एक्स्ट्रा डार्क कर दिया विद द हेल्प ऑफ पेन। का नाम क्या हो गया, ये सी था ना, ए बी सी, ये हो गया सी डैश, ये हो गया ए बी डैश। क्लियर है भाई, स्टेप्स क्या होंगे आपको वैसे ही देख के लिखने होंगे पिछले वाले को देख के, बहुत सिंपल स्टेप्स है, सिमिलर है, एकदम सिंपल है। पिछले वाले क्वेश्चन को देख के आप स्टेप इसके लिख लेना, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा रखा है। अब मुझे इन पे आर्क बना के दिखाना है कि ये कंपास से मैंने बनाई है, मुझे इन्हें बताना है कि मैंने ये लाइन कंपास से बनाई, कितना भी डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे, ध्यान से देखिए कितना भी डिस्टेंस ले लीजिए और इसे आर्क लगा दीजिए बिना चेंज करे, जहाँ पे आर्क दिखाना है यहाँ पे पैदल खींचे यहाँ पे ले लीजिए, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ रख के पहले वाला जो यहाँ पे कट किया था लाइन को, यहाँ रख के इसे कट कराना पड़ेगा, एडजस्ट कराना पड़ेगा, बढ़ा के घटा के जैसे भी हो इस पर कट कराना है लाइन पर जो काट रहा है, ये देखिए, और यहाँ से सेम ये इसी पे ही कट करेगा, कट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हल्का सा आप एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए बिल्कुल साफ लग रहा है जैसे हमने कंपास से ये पैरेलल लाइन बनाई है, देखो बिल्कुल कट करा रहा है बीच में, ये देखिए बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल कट करा रहा है, देखो ये देखो बिल्कुल यहीं कट करा रहा है, एकदम दोनों आर्क यहीं कट कर रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर दो, ये देखिए ध्यान से यहाँ रखेंगे, ये बनाया एक और सेम बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ से रख के इसे कट कराएंगे एडजस्ट करके, एक बार ऊपर उठा के देख लिया करो ऐसे कट कर भी रहा है नहीं, यहाँ से रख के यहाँ कट कराएंगे। देखो ये ऑटोमेटिक इस पर आ गया, हल्का सा एडजस्ट भी कराना पड़ रहा है मुझे तो कराएंगे एडजस्ट। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कंपास की हेल्प से इसे बनाया है, आ रहा है समझ, बड़ा सिंपल सा ये हो गया। और यहाँ पे ये कितने 7 सेंटीमीटर की थी ना, दिखाओ इसे करके कि 7 सेंटीमीटर है, ये 5 थी, दिखाओ इसे कि ये 5 है, ये ऐसे ध्यान से देखना, कुछ बच्चे गलत करते हैं इसे, बिल्कुल यहाँ तक आना चाहिए ये एरो, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ लिखा जाएगा कंस्ट्रक्शन और यहाँ लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ उतारना पड़ेगा आपको पूरा, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, डॉट डॉट करके पूरा क्वेश्चन उतरेगा यहाँ पे, यहाँ तक ही। फिर सॉल्यूशन में लिखा जाएगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सिमिलर हैं, सेम नहीं होता नहीं, सिमिलर हैं, ध्यान से देख लेना, पीछे वाले को देख के आप आराम से स्टेप्स इसके लिख सकते हो। कैसे लिखे जाएंगे स्टेप्स, कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल ए बी सी, बहुत सिंपल, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल बी एक्स, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल बी एक्स, स्टेप नंबर 1 सेम, स्टेप नंबर 2 सेम, उसके बाद ड्रॉ 3 आर्क एट A1 A2 A3 सच दैट A1 A2 A3, यहाँ पे क्या स्टेप आएगा, 3 की जगह क्या आएंगे 7 आर्क आएंगे, ड्रॉ 7 इक्वल आर्क, ड्रॉ 7 इक्वल आर्क एट A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, आ रही बात समझ, सच दैट A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चलता जाएगा ऐसे ही। स्टेप नंबर 4 देखिए, थर्ड स्टेप सेम था, ज्वाइन A3 टू B, यहाँ पे हमने किसे ज्वाइन किया था, ज्वाइन A5 टू B, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे प्रोड्यूस, इस लाइन को हमने बढ़ाया आगे, प्रोड्यूस AB अप टू Y, कहाँ तक प्रोड्यूस कर दो, Y तक प्रोड्यूस कर दो, ये लिया मैंने Y, प्रोड्यूस AB अप टू Y एंड AC अप टू P, इसे कहाँ तक प्रोड्यूस कर दो, P तक प्रोड्यूस कर दो, ये देखिए इसे कहाँ तक प्रोड्यूस कर दो, P तक प्रोड्यूस कर दो, बस। उसके बाद क्या था अगला स्टेप, ड्रॉ A5B पैरेलल टू A7B' या फिर A7B' पैरेलल टू A5B, हमने इसे पैरेलल बनाया इसके, तो ये पहला आया A7B' टू A5B, 7 ड्रॉ B'C' पैरेलल टू BC, क्लियर, राइटिंग नहीं समझ में आया तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ। एट पॉइंट बहुत स्टेप है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये स्टेप छूट गया था, अभी लिखवाता हूँ मैं। इसके बाद AB'C' इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, AB'C' इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, AB'C' ये ब्लू वाला इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ऐसे ही पिछले वाले क्वेश्चन में भी AA'C' इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, समझ में आ रही बात, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा हो गया और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये इंस्टा आईडी है, इसे फॉलो कर लेना भैया, इसके ऊपर हमारे चैनल का प्रमोशन भी होता रहता है। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक नहीं करते आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया तो। क्लास 12th, क्लास 9th सभी तरह के वीडियो लेक्चर चैनल पर अवेलेबल हैं, और 9th टू 12th सभी सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, हैंड रिटन भी हैं और टाइप्ड भी हैं। सभी तरह की PDF चैनल पर मिलेंगी, चैनल को बूस्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की इस टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।